बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वह है स्वीट कॉर्न सूप। चलिए देखते हैं स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप स्वीट कॉर्न, जिसमें से आधे मुझे ऐसे ही रखने हैं और इसमें आधे मैं पीस लूँगी। इसके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 टेबल स्पून चॉप्ड गाजर, कैरेट 2 टेबल स्पून, सफ़ेद पार्ट है ये स्प्रिंग अनियन का, और ये 2 टेबल स्पून ग्रीन पार्ट स्प्रिंग अनियन का। इसके अलावा भी कुछ मसाले जाएंगे जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्वीट कॉर्न सूप बनाना। सबसे पहले सॉस पैन में या जिस पे भी आपको स्वीट कॉर्न सूप बनाना है उस बर्तन में आप थोड़ा सा बटर डालिए ताकि इसमें जो टेस्ट थोड़ा बटरी आए। 1 टीस्पून करीब बटर डाल दीजिए और उसे मेल्ट होने दीजिए। यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला है क्योंकि मैंने जो सॉस पैन लिया वो थोड़ा सा छोटा है। आपके पास अगर बर्तन बड़े बर्तन में आप सूप बना रहे हैं सूप तो आप 2 ग्लास पानी डालिएगा और इसे एक उबाल आने के बाद फ्लेम लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए उबालना है या पकाना है। इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा 1/2 टीस्पून, बाद में आप एडजस्ट कर लेगा अगर आपको कम लगे तो। काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, यहाँ मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप नाप करके भी डाल सकते हैं। और इसमें शुगर जाएगी 1/2 टीस्पून शुगर जाएगी 1/2 टीस्पून शुगर। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। ऑयल आ चुका है, अब फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, लो फ्लेम पर 20 मिनट तक ऐसे ही इसको पकने देना है ताकि सब्जियों का फ्लेवर पानी में आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, सूप रेडी है बिल्कुल। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखें यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के लगभग पानी में 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च मिलाया था थिकनेस के लिए। अब इसको हम हल्के हल्के डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखें, ये हल्का हल्का थिक होने लगेगा। देखिए थिक फॉर्म आने लगी, बिल्कुल सूप वाली जो रेस्टोरेंट में मिलता है उस तरह का। गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 टीस्पून के करीब वाइट विनेगर, थोड़ा सा खटास के लिए, या आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं।
हाफ टी स्पून विनेगर डाला मैंने इसमें, जाएगी ये ज़रा सी। इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ, ये बस थोड़ी सी, हाफ टी से भी कम, फ्रेश क्रीम या मलाई, इसको ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्टी सूप बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है सूप का। चलिए डिश आउट करते हैं सूप। ऊपर से कटा हुआ स्प्रिंग अनियन हरा पार्ट इसका बनकर रेडी है स्वीट कॉर्न सूप। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।